एक बार की बात है, जब जंगल में एक शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। शेर बहुत भूखा था और उसका पूरा ध्यान अपने लिए शिकारी ढूंढने में था। तभी अचानक शेर के पैर में एक बड़ा सा कांटा गड़ जाता है। शेर दर्द से जोर से चिल्लाता है और उस कांटे को निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। कुछ देर बाद पास के ही गाँव का आदमी वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आता है और उसे किसी जानवर के दर्द में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अभी अभी जो आपने ये वीडियो देखा है ना, इस वीडियो को आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं और वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप AI की मदद से एनिमेटेड स्टोरी वीडियो को कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों AI का यूज करके कुछ इस तरह के एनिमेशन स्टोरी को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको स्टोरी को ढूंढना होगा कि हम किस तरह के स्टोरी पे वीडियो को बनाने वाले हैं। तो स्टोरी ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने गूगल में जाएंगे। गूगल में आने के बाद दोस्तों, आपको जिस भी चीज़ पर स्टोरी वीडियो को बनाना है उसको यहाँ पर सर्च मारना है। चलिए मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ एक शेर और एक आदमी की कहानी। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है एक शेर और एक आदमी की कहानी इन हिंदी। अब हम सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे ढेर सारा कहानी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आदमी और शेर की कहानी। इसके बाद यहाँ पे एक नीचा दिया हुआ है एक शेर और एक आदमी की दोस्ती। इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारा उससे रिलेटेड कहानी मिल जाएगा। यहाँ पे है शेर और आदमी की लड़ाई, यानी कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों सर्च मारने के बाद यहाँ पे ढेर सारा उससे रिलेटेड कहानी आ गया है। तो आपको भी दोस्तों जिस चीज़ पर स्टोरी वीडियो को बनाना है उसको यहाँ पे सर्च मारिएगा तो आपको यहाँ पे ढेर सारा उससे रिलेटेड कहानी मिल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि दोस्तों मुझे इस पर वीडियो बनाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कहानी आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत दिनों की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा तू तो जानता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे शेर की कहानियाँ दिया गया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर इसका वॉयस रिकॉर्डिंग कर लेना है। आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए अपने वॉयस को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ से कहानी को पढ़कर उसका वॉयस रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यानी कि दोस्तों गूगल से आपको स्टोरी मिल जाएगा और आप यहाँ से इसका वॉयस रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप AI की मदद से इस कहानी से रिलेटेड इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहीं पर सर्च मारेंगे लेक्सिका। चलिए मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ लेक्सिका। लेक्सिका एक AI टूल है, इससे आप हर तरह के इमेज को जेनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सर्च मारता हूँ लेक्सिका। लेक्सिका सर्च मारने के बाद दोस्तों इसका वेबसाइट हमारे सामने यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है lexica.art। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आ गया है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हमको अपने कहानी से रिलेटेड इमेज को डाउनलोड करना है। तो मेरा कहानी था एक शेर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे सर्च मारूँगा लाइन LION लायन। तो सर्च मारने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे ढेर सारा लायन आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मस्त AI जनरेटेड लायन आ गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका कहानी जिस भी तरह के है उससे रिलेटेड इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से डाउनलोड इसे कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो गया है। इसके अलावा दोस्तों आप जिस भी तरह के इमेज को सर्च मारना चाहते हैं उसको यहाँ से सर्च मार सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ लायन विथ मैन। तो सर्च मारने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर उस तरह के ढेर सारा इमेज आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदमी के साथ शेर है। आप यहाँ पे और भी अलग तरीके से इसको सर्च मार सकते हैं। आपको जिस भी तरह से इमेज की ज़रूरत है उसको यहाँ पे सर्च मार सकते हैं आप। अब चलिए मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ लायन इट माने खाना। तो अभी आप देख सकते हैं कि लायन इट सर्च मारने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आ गया है हमारे सामने। यहाँ पर लायन बर्गर खा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने कहानी के हिसाब से इसको यहाँ से सर्च मार सकते हैं आप अपने इमेज को और इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इससे वीडियो को कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और अब मैं इसका एडिटिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं काइनमास्टर का यूज करूँगा। सारा एडिटिंग एप्लीकेशन लगभग सेम ही तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने काइनमास्टर में। तो मेरा काइनमास्टर यहाँ है, तो चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ इस पर। काइनमास्टर में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे। यहाँ पे
और यहाँ से 16:9 को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं अपने काइन मास्टर में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें इमेज को लगाऊंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं अपने उस वाले फ़ोटो को ले लूँगा। तो चलिए मैं फ़ोटोज़ को लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो को ले लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको चलाता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पे जिस जिस फ़ोटो को डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस फ़ोटो को जूम वगैरह करूँगा। तो इसके लिए हम इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे पैन एंड जूम पर यहाँ पर, और इसको यहाँ से हम जूम कर देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको भी जूम कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हमको इस वाले फ़ोटो को जूम करना है, तो हम इस वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और फिर से पैन एंड जूम पर जाएंगे और उसको यहाँ से जूम कर देंगे, और फिर इस पर जाएंगे और इसको भी जूम कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको भी करते जाना है, आप देख सकते हैं, ताकि हमारा फ़ोटो चलता हुआ दिखे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किस तरीके से ये फ़ोटो चलता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम इस वाले फ़ोटो पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे पैन एंड जूम पर जाएंगे और इसको यहाँ से जूम कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी जूम कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको भी अपने सारे फ़ोटो को जूम वगैरह कर देना है, ताकि आपका फ़ोटो चलता हुआ दिखे। तो चलिए दोस्तों, तब तक मैं इसका एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैंने दोस्तों इसका एडिटिंग और जूम वगैरह अच्छी तरीके से कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इसमें अपना वॉयस को लगाना है, यानी कि हमको इसमें अपना वॉयस ओवर को करना है। तो अगर आपने अपना वॉयस को पहले से रिकॉर्ड कर लिया है तो आप ऑडियो वाला में जाकर उसको लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ से अभी डायरेक्ट अपने आवाज़ को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्ड पर जाना होगा, यहाँ पर इस पर जाने के बाद आपको अलाउ करना है। तो मैंने दोस्तों इसमें वॉयस ओवर को अपना कर दिया हूँ, चलिए मैं इसे प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो इसको हम यहाँ से प्ले करेंगे। एक बार की बात है, जब जंगल में एक शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। शेर बहुत भूखा था और उसका पूरा ध्यान अपने लिए शिकारी ढूंढने में था। तभी अचानक शेर के पैर में एक बड़ा सा कांटा गड़ जाता है। शेर दर्द से जोर से चिल्लाता है और उस कांटे को निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। कुछ देर बाद पास के ही गाँव का आदमी वहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से यह वीडियो बन गया है, इसका एडिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, इसको और इंगेजिंग बनाने के लिए दोस्तों इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करना है और अब हम यहाँ से सॉन्ग्स में जाएंगे। अब चलिए मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ढूंढता हूँ, तो मैं ये वाला म्यूजिक बैकग्राउंड को लगाऊंगा, आप सुन सकते हैं। इस वाले को तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे, तो ये वाला म्यूजिक इसमें लग जाएगा। अब चलिए मैं इसको प्ले करके आपको सुनाता हूँ, तो आप सुन सकते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक शेर शिकार की तलाश में घूम रहा। अब इसमें एक बात को आपको और ध्यान देने की जरूरत है, तो यह क्या है कि दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ को थोड़ा कम करना है। तो इसके लिए हम म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके म्यूजिक को यहाँ से कम कर देंगे, लगभग 10 कर देते हैं हम। अब चलिए मैं प्ले करता हूँ। भूखा शेर बहुत भूखा था और उसका पूरा ध्यान अपने लिए शिकारी ढूंढने। तो आप देख सकते हैं कि इसमें म्यूजिक बैकग्राउंड भी अच्छी तरीके से लग गया है। चलिए मैं एक बार फिर से प्ले करके आपको सुनाता हूँ पूरा वीडियो को, तो आप सुनते रहिए। एक बार की बात है, जब जंगल में एक शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। शेर बहुत भूखा था और उसका पूरा ध्यान अपने लिए शिकारी ढूंढने में था। तभी अचानक शेर के पैर में एक बड़ा सा कांटा गड़ जाता है। शेर दर्द से जोर से चिल्लाता है और उस कांटे को निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। कुछ देर बाद पास के ही गांव का आदमी वहां पर लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आता है और उसे किसी जानवर के दर्द में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से करके आप भी इस तरह के स्टोरी वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।